वो जनता के हित में काम करे, जनता नहीं वो तो का ठीक जनता है, को बरगलाने का काम ना करे, नहीं नहीं और जो आप भी मेरे सवाल को मुख्यमंत्री बोल तो कर बन रहे रही हैं। है और उन्हें वर्मा श्योर जी है, के, उन्हें पता है कि हमारा बंदा है। वर्मा जी के घर में जो है ना वो बर्तनों की आवाज नहीं आती है। आपके घर में दिक्कत ये है कि बर्तनों की आवाज इसलिए नहीं आती है कि मुंह पे टेप है, वहां पर लोकतंत्र नहीं है, वहां पर कांग्रेस ओहो में बहुत आपके यहाँ ज्यादा लोकतंत्र है, लोकतंत्र अपनी है, बात को रखने का लोकतंत्र है, और आपके यहाँ ज्यादा जब वहां लोकतंत्र है। लोकतंत्र ही नहीं है तो कोई कुछ नहीं बोल सकता, इसलिए कोई बात नहीं। लेकिन शुभ घड़ी आने वाली है और हमें मुख्यमंत्री मिलने वाले हैं, जो भी होंगे अच्छे होंगे, बस अच्छा है उत्तराखंड के हित में नेता काम करें। प्रतिपक्ष, और रही बात कांग्रेस के बर्तन खटकने की, तो आपको बहुत जल्द दिखेगा कोई बर्तन नहीं खटकेंगे। जहां परिवार होता है, जहां लिख दस के लोग दूं? होते हैं, वहां बर्तन भी खटकते हैं और आवाज भी ना ना आती ना है। कमलेश मैडम, लिख के दूं व्हाइट पेपर पे, लिख के देता हूं, बर्तन तो खटकेंगे और मैं ही सुनाऊंगा बर्तन। जब खटकेंगे मैं ही सुनाऊंगा आपको बर्तन कि सुन ठीक लो। है, तो आप अगर बर्तन नहीं खटकेंगे तो ये जो डिबेट इस वक्त हो रही है, ये कैसे होगी डिबेट? अगर आपको कुछ ओहो नहीं मतलब देना आपको मेरा फीडबैक ख्याल है है, आपको मेरा ख्याल है, जी, आपको अपने घर का ख्याल नहीं है, लेकिन बर्तन खटकेंगे कम से कम आप ये भी मान रही हैं कि बर्तन तो देखिए देखिए, खटकेंगे। ओके हमारे घर में शांति है और शांति रहेगी और बहुत प्रेम भाव से सब कुछ हो जाएगा। अभी आपके सामने होगा, मैं सब चीज आपके सामने। आपकी मोहब्बत तो ठीक चुनाव के बाद दिखाई दे रही थी, जी है ना मैडम? रणजीत रावत, हरीश रावत, दो रावत में रार, धारचूला वाले कह रहे मुझे बनाओ नेता प्रतिपक्ष, बहुत हो गया आप, इस बार मेरी बारी। देखिए, जो काम करता है, जिसको लगता है कि मैंने जीत के आए, तो सबकी उम्मीदें होती हैं और हमारी पार्टी इस चीज को देखेगी, हमारा हाईकमान देखेगा कि किसको नेता प्रतिपक्ष बनाना है, कौन प्रदेश के हित में काम कर सकता है, कौन सरकार की गलतियों को उजागर करके सड़कों पे उतर सकता है, क्योंकि जनता ने हमें संघर्ष करने का आदेश हाँ, दिया है, आप तो वही संघर्ष ही संघर्ष हमारा करिए, जारी रहेगा। आप संघर्ष ही करिए, आपकी पार्टी की लुटिया तब तक डूबोई जाएगी, तब तक डूबेगी कमलेश मैडम, जब तक आप जैसे कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। आप लोगों को सिर्फ डंडा और झंडा उठाने के लिए रखा गया है। एक सेकंड, नहीं डूबेगी तिलक भाई, जब तक आप जैसे भाई हमारी पैरवी करते रहेंगे, ना 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 मेरी पैरवी से टिकट मिलती तो मैं प्रीतम सिंह को 10 बार बोलता लिख के और हरीश रावत जी को भी बोलता। अब दिक्कत यह है ना कि आपके आपका भी कोई गॉडफादर नहीं है। अनिल सत्ती साहब, अनिल सत्ती साहब, जनता ने तो उन्हें विपक्ष के रूप में चुना भी, आपको तो विपक्ष के लायक भी नहीं समझा, है कि नहीं? बुरा मत मानिएगा, ये तो हकीकत है ना, आपको तो विपक्ष के लायक भी नहीं समझा जनता ने। तो उत्तराखंड में कोई दिलचस्पी है या फिर वाइंड अप कर लिया वहां से देहरादून ऑफिस? देखिए, उत्तराखंड में शुरू से ही भाजपा और कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी रही है और हमने तो पहली बार चुनाव लड़ा, पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा और यहाँ पर परिस्थितियां कुछ भी थी, महंगाई चरम पर थी, बेरोजगारी चरम पर थी, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को एक जनादेश मिला और दूसरी बार जब प्रदेश की जनता ने मौका दिया, आज चुनाव नतीजे के 9 दिन हो गए, भारतीय जनता पार्टी एक मुख्यमंत्री नहीं दे पा रही है, इस प्रदेश का इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा? जो भी मुख्यमंत्री बने 5 साल के देश लिए का बने, इससे अच्छा बड़ा कार्य कर दुर्भाग्य रहे क्या हैं, होगा कोई जिसे रोक नहीं आपने रहा। मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया, उनको जमानत बचाने के लाले पड़ गए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा आपकी पार्टी के लिए, है कि नहीं? अरे आपसे तो जमानत भी बची नहीं मेरे भाई, देखिए चुनाव में हार जीत लगी जाती है, पहला चुनाव था और जनता को अपने अपने घर को नहीं देख रहे, आपको उनके वो बना लेंगे मुख्यमंत्री, किसको बनाना होगा? आप अपना घर भी तो देखिए ना, आपके प्रभारी पर इतने आरोप लगे, इतने आरोप लगे, कभी सोचा कि समीक्षा बैठक भी कर लें? 9 दिन हो गए, कोई समीक्षा बैठक किया आपने सत्ती साहब, किया कोई? देखिए बिल्कुल समीक्षा बैठक होगी, प्रदेश में नया संगठन बनेगा, नई तरीके से काम होगा और होगी ना, तो पंजाब में आपको इतनी दिलचस्पी है कि भैया मैं उनके घर में कौन है मुख्यमंत्री ताक जाक कर लूं, अपना घर तो संभाल लो, ये तो चेक करो कि क्यों हारे हम, एक सीट भी नहीं दी जनता ने। मैं भी प्रदेश का हिस्सा हूँ, मैं भी उत्तराखंड में रहता हूँ, तो स्वाभाविक है कि मैं भी चाहूंगा कि प्रदेश का खुशहाल हो, एक अच्छा मुख्यमंत्री प्रदेश को मिले और प्रदेश का समुचित विकास हो। तो लेकिन दुर्भाग्य है कि आज 9 दिन हो गए भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं स्थिति सामान्य नहीं है। अब जो भी हो तो दुआएं हैं भारतीय जनता पार्टी से कि जो भी मुख्यमंत्री बने अपना पास। आप देख रहे हैं वर्मा जी, आपसे कितनी उम्मीदें पाले हुए विपक्ष, देखिए कमलेश मैडम और अनिल सत्ती साहब, उनको अपने घर की चिंता नहीं है कि हमारे घर के बर्तन क्यों बिक गए,
हमारे पंजाबी बोले भांडे बिक गए। अब उनको अपनी चिंता नहीं है कि भांडे क्यों बिक गए, वो कह रहे कि देखियो उन्होंने नहीं किया भैया। वर्मा जी समझ रहे हो आप, बना लो अब तो 5 साल का बॉन्ड साइन करवा लेना। तिलक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे एक ग्राउंड लेवल पे हम लोगों ने जो काम किया उसके ऊपर जनता ने हम लोगों को एक मैंडेट दिया है और एक प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, जहां कांग्रेस के तमाम जो झूठे इन लोगों ने शिगोफे छोड़े, एक सस्ते 500 रुपए का गैस का इन लोगों ने शिगोफा छोड़ा, इन्होंने मातृशक्ति को सर 15 लाख के जुमले की बात नहीं कर रहे, वर्मा जी छोड़िए ना उस बात, मातृशक्ति को भत्ता देने की बात करी, बेरोजगारों को भत्ता देने की बात करी, अब हो गया ना वो मुख्यमंत्री पर आइए, सर मुख्यमंत्री पर आइए ना, छोड़िए वो बात तो चली गई ना चुनाव में, वो ये कह रहे 5 साल का बॉन्ड साइन करवा लेना वर्मा जी से, झूठी गारंटियां बांटने की बात करें, लेकिन जनता ने सिरे से इन दोनों पार्टियों को पूरी तरह से नकार दिया। अरे सर नकार दिया, मान गए आपकी बात, आप बने ना 5 साल का मुख्यमंत्री देंगे कि नहीं? जनता भली भांति जानती है कि उत्तराखंड का भला कौन सी पार्टी कर सकती है, और जो पार्टी कर सकती है भला वह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी है। 5 साल की कथनी और कथनी 5 साल कोई अंतर नहीं, 5 साल का मुख्यमंत्री देंगे या फिर 2 साल वाला? सर हम बिल्कुल एक स्थायी और मजबूत सरकार बनाने जा रहे हैं, और मैं सरकार की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ स्थायी, तो स्थायी सरकार तो मिलेगी ना, मैं ये कह रहा हूँ कि स्थायी मुख्यमंत्री मिलेगा कि नहीं ये बताओ। बिल्कुल मिलेगा सर, बिल्कुल मिलेगा। आप गारंटी ले रहे हैं? तिलक जी देखिए, जनता पार्टी कमलेश मैडम सुना आपने, ये कह रहे हैं स्थायी मुख्यमंत्री देंगे 2024 तक। देखिए मेरा 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 ये कहना है कि अभी वर्मा जी बहुत सारी चीजों को गिना रहे थे कि हमको इतना बड़ा मैंडेट मिला क्योंकि हमने काम किया, हमने विकास किया। अगर विकास के नाम पर और उत्तराखंड के नाम पर वोट मांगते वर्मा जी तो कुछ वोट नहीं आने वाले थे आपको, आपकी सरकार नहीं बनती। आपने केंद्र के नाम पर वोट मांगा, आपने केंद्र के नेतृत्व को दिखाया, लेकिन खैर कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है आपकी सरकार बनी वर्मा जी, आपकी सरकार बनी, शुभकामनाएं हमारी। बस अब आपसे ये उम्मीद है कि 5 साल वाला मुख्यमंत्री चाहिए, 3 महीने वाला, 1 महीने वाला, 1 साल वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए हमें, 5 साल का मुख्यमंत्री दीजिएगा जो 5 साल उत्तराखंड को सुचारू रूप से चलाने का काम करे, क्योंकि बार बार जब आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो प्रदेश में बदल वर्मा जी कह रहे हैं मैं गारंटी लेता हूँ 5 साल वाला, ये बात मेरे हजम नहीं हुई। 5 साल वाला मुख्यमंत्री दीजिए। एक मिनट कमलेश मैडम, कमलेश मैडम, कमलेश मैडम, हर नेता को खुश करने के लिए ऐसा ना हो कि 5 मुख्यमंत्री दे दे आप पूरे 5 साल में, और कहीं 6-6 महीने के मुख्यमंत्री बना दे, क्योंकि एक से एक मान आपके निगरान जीत कर आए हैं, सबकी पूरी उम्मीद है कि हमें मुख्यमंत्री बनना है, हमें मुख्यमंत्री बनना है, सबकी एप्लीकेशन सबके बायोडाटा है। मैडम आपने भी तो बनाया ना, 6-6 महीने का सबसे बड़ा काम लिया जाए, आपने भी तो बनाया ना, आपने भी तो बनाया, कितने कार्यकारी अध्यक्ष बनाए, छोड़िए उस बात को एक सेकंड। अब देश भाई वर्मा जी कह रहे हैं हम गारंटी दे रहे हैं 5 साल तक मुख्यमंत्री रहेगा, 5 साल तक। एक मिनट देखिए, मुझे तो बहुत मुश्किल लग रहा है तिलक भाई कि जो वर्मा जी कह रहे हैं ऐसा हो पाएगा। अगर देखिए जो अभी तक के जो तमाम समीकरण है, हम भी जानते हैं कि मेन फोकस जो है 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उन पर बीजेपी आला कमान का है। अगर लोकसभा चुनाव में इफ या वट की स्थिति आती है तो मैं 2024 पे एक नया मुख्यमंत्री देखने के लिए जो उत्तराखंड का जनमानस है उसको तैयार रहना पड़ेगा। आपको लगता है कि 5 साल तक वर्मा जी जो बात कर रहे हैं बहुत मुश्किल है, मुझे तो लग रहा है कि 2.5 साल के मुख्यमंत्री बनने की ओर जो अभी की संभावना दिख रही है वो 2.5 साल के मुख्यमंत्री की ओर जा रही है। अच्छा 2.5 साल का बॉन्ड साइन करवाएंगे ये लग रहा है। ओके अनिल सत्ती साहब, वर्मा जी कह रहे 5 साल तक पक्का देंगे, 5 साल वाला, इस बार 5 साल वाला पक्का यकीन मान के चलिए। देखिए इनका तो खुद का केंद्र नेतृत्व तो भी वो नहीं बता पाएगा कि 5 साल चलेगा या 2 साल चलेगा, और जिस तरह 2 दर्जन से अधिक नेता मुख्यमंत्री की दौड़ में है तो परिस्थिति बड़ी विकट है। हम तो ये कहेंगे कि कामना है इनको कि मुख्यमंत्री दे पाए और 5 साल चला ले, लेकिन ऐसा लगता नहीं है। अब देखिए सर
सोशल मीडिया पर कैसे कैसे कमेंट आते हैं सत्ती साहब, पढ़ दूं? बुरा तो नहीं मान रही सर? पढ़िए। वो कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कह रहे हैं सत्ती साहब से पूछ लो कि कर्नल कोठियाल कब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, आप बताइए। ऐसे ऐसे कमेंट आते हैं। ठीक है, उनको कर्नल कोठियाल जी पार्टी में है, पार्टी में रहेंगे। अच्छा एक अंदर की बात, ये तो पहली बार ये भगवंत मान के जो मुख्यमंत्री बनाया था तब शपथ ग्रहण में क्यों नहीं गए थे, वो बुलाया नहीं था क्या केजरीवाल जी? देखिए वो नहीं, नहीं वो मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं बुलाया या क्यों नहीं गए। अच्छा, आपको नहीं पता? भव्य आपको ये पता कि आप लोग हारे क्यों? आप लोगों को ये पता हारे क्यों? देखिए उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ी और हमने अपनी पूरी योजनाओं को घर तक पहुंचाने का काम किया। भी लड़ी मजबूती के साथ, तो सभी लड़ते हैं, कोई हारने के लिए थोड़ी ना लड़ता है। आप लोग हारे क्या कारण रहा किया? देखिए निश्चित तौर पर ये जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीती है तो विकास पे तो जीती नहीं है, और ये स्वयं भी इस 47 सीटों से, ये इन्हें भी नहीं पता था कि हमें 47 सीट मिल जाएंगी, और ये क्या हुआ चुनाव में, क्या बहुत आगे जाएगी आम जनता का जनादेश। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में यही यही हाल रहा तो फिर भगवान भला है, भगवान भला करेगा आप लोगों का, और कोई नहीं कर पाएगा। फिर तो कर्नल कोठियाल भी भला नहीं कर पाएंगे अगर यही सोच रही तो। खैर वर्मा जी, आपने इतनी बड़ी बात कही, मेरा सौभाग्य, मेरे कान तरस गए थे सुनने को कि 5 साल के लिए मुख्यमंत्री देंगे, 5 साल के लिए एक ही मुख्यमंत्री देंगे। अब सोचिए उत्तराखंड की जनता आप लोगों के लिए कैसे ताली बजा रही होगी। आप कह रहे हैं, मतलब बीजेपी नेता कह रहे 5 साल के लिए देंगे, कितनी बड़ी बात है। खैर चलते चलते एक बार फिर से सर, गैरसैंण में करवाएंगे शपथ ग्रहण समारोह? पिछले एक हफ्ते से पूछ रहा हूं, गैरसैंण में होगा नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण? तिलक जी थोड़ा धैर्य रखिए, आपकी अभिलाषा भी बहुत जल्द पूरी होगी। अगर मेरी अभिलाषा पूरी करनी है तो कल ही करवा दो फिर आप। मैं अभी यहीं से निकल जाऊंगा, रोड से बाय रोड पहुंच जाऊंगा गैरसैंण। देखिए तिलक जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार जनता को भ्रमित करती रही। कांग्रेस छोड़ो, मेरी बात, मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए वर्मा जी। गैरसैंण के लिए निकलूं? भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो 2017 का मैनिफेस्टो था उसमें हमने ग्रीष्मकालीन राजधानी, आपके मैनिफेस्टो और आपकी नीयत सर लोकायुक्त से पता चल जाती है, छोड़िए। और उसको ओके, थैंक यू अवधेश भाई, जरा आप भी संपर्क साधिए और मैं भी जरा फोन से संपर्क साधता हूँ, देखता हूँ किसका जो है नॉट रीचेबल जा रहा है फोन। अब वर्मा जी बताएं ना बताएं, लेकिन वर्मा जी भी लगे हुए हैं कि पता चल जाए कौन है सफेद लफाफे में किसका नाम है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया कमलेश मैडम, ढूंढिए नेता प्रतिपक्ष, आपको भी बहुत जरूरत है, अभी तो बर्तन खटकेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।